महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के बागी अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जयंत पाटिल को बतौर एनसीपी विधायक दल के नेता के तौर पर विधानसभा ने मान्यता दे दी है। एनसीपी विधायक दल के नेता जयंत पाटिल की चिट्ठी विधानसभा में स्वीकार कर ली गई है। अब वो अजीत पवार की जगह एनसीपी विधायक दल के नेता होंगे। जयंत पाटिल के पास अब बिहेव जारी करने का अधिकार होगा। बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार की सुबह 8 बजे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बागी भतीजे अजीत पवार ने भी उनके साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। एनसीपी की शनिवार शाम को हुई बैठक में अजीत पवार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी ने उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया। एनसीपी ने उनके स्थान पर दिलीप जयंत पाटिल को विधायक दल का नया नेता चुना है।